नमस्कार दोस्तों, मैं किशन गढ़वाल और ये भास्कर जी सर, आज अपन चर्चा करेंगे पशुधन सहायक भर्ती की। तो सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों का ग्लोरियस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है कि 2042 पदों के लिए पशुधन सहायक की वैकेंसी है, अर्थात उसके जो पद हैं वो स्वीकृत हो चुके हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी परीक्षा तिथि भी जैसा आपको दिख रहा होगा 13 जून 2025 रखा है। अब अपन बात करें कि विगत भर्ती परीक्षाएं कैसे संपन्न हुई थी और उनमें क्या आपका रिजल्ट रहा था, तो ये अपन चर्चा भास्कर जी के साथ करेंगे क्योंकि ये शुरू से जुड़े हैं और इनसे बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो भी काफी फैन है कि भास्कर जी सर पढ़ाएंगे। हाँ भाई, भास्कर जी सर ही पढ़ाएंगे। तो भास्कर जी सर अपने साथ हैं, ये भर्ती के बारे में तो कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे अपन इसको सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। 4 नवम्बर से अपन ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच पशुधन सहायक, इसके साथ में आपका प्रयोगशाला सहायक का भी रहेगा, वीडियो का भी रहेगा, पटवार का भी रहेगा, आपका जीडी वगैरह का, अर्थात 4 नवंबर को प्रातः 8 बजे से स्टार्ट रहेंगे। लेकिन अभी मुख्यतः अपन मुख्य धारा में बह रहे हैं वो है पशुधन सहायक। तो विद्यार्थियों में अपन ने बहुत ही अच्छा परिणाम दिया है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड रहा है। तो अब अपन कोशिश करेंगे कि जो अपना पिछला रिकॉर्ड है उसको अपन तोड़े और अपने पास पर्याप्त है, तो अपन इस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे भास्कर जी सर से। नमस्कार मित्रों, मैं राजेश भास्कर ग्लोरियस परिवार के सदस्य के रूप में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सर ने आपको बताया है, पशुधन सहायक 2025 भर्ती की घोषणा हो चुकी है, इसके साथ में संभावित तिथि की घोषणा हो चुकी है। भर्ती में पदों की संख्या रखी गई है 2042 और अगर हम बात करते हैं संभावित जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 13 जून 2025। अब इस भर्ती प्रक्रिया में, विगत भर्ती प्रक्रिया में अंतर्गत ग्लोरियस परिवार है, ग्लोरियस कोचिंग है, वो सिरमौर रहा है। इसका रीजन है कि यहाँ अथक मेहनत, आपकी मेहनत, टीचरों की मेहनत और पूरे परिवार का सहयोग, उसी के अंतर्गत उस भर्ती प्रक्रिया में जो सिरमौर है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए, और अधिक सिलेक्शन देने के लिए हम नए सिरे से इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 4 नवम्बर से नए बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रारंभ कर रहे हैं। इन दोनों बैचों के साथ साथ अपनी टेस्ट सीरीज भी रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज और टॉपिक के साथ साथ आपको अभ्यास वगैरह भी करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें आप तैयारी के साथ साथ आपका अभ्यास है वो भी जरूरी है। अपने टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या रखी जाएगी वो रखेंगे, जो भर्ती प्रक्रिया में रखी गई है वो 120, जैसे कि विगत भर्ती प्रक्रिया से चल रही है। अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे 80 और जीके में क्वेश्चन रहेंगे 40। अब इस क्वेश्चनों का एक पैटर्न सा बना हुआ है जो भर्ती प्रक्रिया में चल रहा है, 40 में से 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान की हिस्ट्री हो गई और राजस्थान का कल्चर हो गया। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के और शेष जो पार्ट है उसमें आपको हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। प्रत्येक सर है, प्रत्येक सब्जेक्ट विशेषज्ञ है, आपको टॉपिक वाइज और बड़े शानदार रूप से आपको तैयारी करवाएंगे। अपन जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसमें जितने भी टॉपिक है उनको टॉपिकों के साथ साथ आपको क्वेश्चन के साथ और अभ्यास वगैरह है वो साथ में करवाएंगे। तो इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़कर आप अपने सपनों को साकार कीजिए। 4 नवंबर 2024 नए बैच प्रारंभ है। धन्यवाद। आप लोगों ने भास्कर जी को सुना, इन्होंने जो भी है परीक्षा की प्रक्रिया है और जो तैयारी का प्रारूप है उसके बारे में आपको अवगत करवाया है। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 4 तारीख को जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी रहेगा, ऑनलाइन बैच भी रहेगा, तो आप अगर ऑफलाइन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ग्लोरियस परिवार में आपका स्वागत है, और अगर ऑनलाइन आप लाइव बैच लेना चाहें तो भी आपका स्वागत है, वो आप अपने सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट का पार्ट जैसे भास्कर जी ने 80 क्वेश्चन बताए हैं और 40 क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके के संदर्भ में। अब कई विद्यार्थियों का ऐसा था कि सर इसमें पॉलिटिकल जुड़ेगी क्या, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल जुड़ेगी, जो प्रारूप पिछली भर्तियों में चलता आ रहा है वही प्रारूप इस भर्ती में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ पार्ट ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास पर्याप्त 7 महीने का समय है, अपन पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लेंगे। तो आप 4 तारीख को ग्लोरियस परिवार का हिस्सा बने और अपने चयन की सुनिश्चितता को और सुदृढ़ करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।